Hello guys, welcome back to my channel. Hi, myself Isha Chinnani this side, and let me know who's on the other side. वीडियो इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द सीरीज जो मैंने शायद कपल ऑफ वीक्स पहले स्टार्ट की थी, दैट एक्सप्लोरिंग दिल्ली स्ट्रीट मार्केट. आज ये उसी वीडियो का सेकेंड पार्ट है. सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो राइट अवे. मैं उस मार्केट से होके आ चुकी हूँ एंड लाइक प्रीवियस वीडियो आपको ओवरव्यू करती रहूंगी, और मेरे पास क्लिप्स वगैरह है वो आपको एज मोन्टाज दिखते रहेंगे. मैं आपको ये बताती हूँ कि मुझे ये मार्केट मिली कैसी थी. एक्चुअली मेरा कॉलेज उसी साइड है, तो एक बार हम लोग कॉलेज से निकलते निकलते लेट हो गए थे. हमने देखा कि भाई शाम में व्हाट इज दिस, ये रोड पूरा मार्केट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है. तो आई वॉज लाइक कि फ्रेंड के साथ आई वॉज लाइक कि चल देख के आते हैं. तो हम लोग गए. वो मार्केट इतनी एक्सप्लोर्ड नहीं है दिल्ली वाले यहाँ के लोगों के लिए, या फिर मतलब इतनी पॉपुलर भी नहीं है. तो आई डेफिनेटली वॉन्टेड कि मेरे जरिए ही थोड़ा बहुत शायद पता चल जाएगा. मतलब बहुत पहले मैंने सोच रखी थी ये चीज़ कि जब भी अगर मैं कभी वीडियो बनाऊंगी ना, ये वाली मार्केट मैं ज़रूर वीडियोज़ में लेके आऊँगी. सो आपको एक बार एड्रेस एक्सप्लेन कर देती हूँ इस मार्केट का. सबसे पहले आपको आ जाना है ITO दिल्ली. अगर आप मेट्रो से आ रहे हो तो आपको वॉलेट लाइन में मिलेगा, नॉर्थ वाले साइड. राजन है नहीं, क्या है, कश्मीरी गेट वाली लाइन. कश्मीरी गेट आपको वॉलेट लाइन में जाने, कश्मीरी गेट की साइड, वहाँ पे आपको ITO एक स्टेशन है. आपको ITO स्टेशन से इस मार्केट तक वहाँ पे ई रिक्शा में भी जा सकते हो, और अगर आप पैदल चलना प्रेफर करते हो तो आप वैसे भी जा सकते हो. नाम फ्राइडे मार्केट ही है, एंड ये सिर्फ और सिर्फ फ्राइडे को ही लगती है. ऑल्सो ये फ्राइडे को भी 4 बजे के बाद लगती है. लेट्स गेट इन टू द वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वहाँ पे बहुत लेट पहुंची, ऑलरेडी पूरी रात हो चुकी थी. पहले तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में पूरी वहाँ पे सब्जी मार्केट लगी हुई थी. आई डोंट नो व्हाई, अंकल थे वो शूज के पूरे लगा के रखे थे. उसके बाद जैसे ही मैं जाते जा रही थी, यही वहाँ पे सेक्शन स्टार्टिंग में आपको दिखेगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिलेंगी पूरी सब्जियों की स्टॉल्स एंड वट एवर, एंड उसके राइट हैंड साइड में आपको सारे शूज. तो जैसे ही मैं थोड़ा सा अंदर गई, मैंने देखा यहाँ पे ये पूरी स्टेशनरी की शॉप लगी हुई थी. यहाँ पे स्टेशनरी के कम्प्लीटली सारे चीज़ें अवेलेबल थी. इवन वहाँ पे काफ़ी क्यूट चीज़ें भी मैंने स्पॉट करी थी. एक मैंने ना वो फैन स्पॉट किया था, दैट क्या बोलते हैं उस फैन को ना, किसी कंट्री से वो रिलेटेड था. वाओ, सोचे मैं भी ऐसे मैडम विक्टोरिया. बहुत सारी वो ब्रिटिश सीरीज में देखा है, वो ऐसे करके बहुत मैडम वाली फीलिंग लेते हैं. तो वो लेने की ट्राई करने वाली थी मैं. बट एनीवेज, मैडम वाली फीलिंग लेने के लिए फैन की जरूरत नहीं है. आगे बढ़ते हैं. तो उसके बाद जब मैं आगे चलती गई, वहां पे मुझे एक यूटेंसिल्स वाली शॉप दिखने लग गई थी. उनके पास यूटेंसिल्स थे, डब्बे डुब्बे थे, और मुझे वहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती थी, वो स्टोरेज बॉक्सेस होते हैं ना, जैसे किसी को अगर मेकअप रखना है वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वो बॉक्स को यूज़ करके. तो वो एक मुझे काफ़ी सही चीज़ लग रही थी वहाँ पे. सिर्फ मेरा इस मार्केट का आपको दिखाने का ये है कि यहाँ पे कॉस्मेटिक्स की चीज़ें काफ़ी सस्ती मिलती हैं, बहुत ज़्यादा. ऑफ कोर्स वो डुप्लीकेट ही होंगी, यहाँ पे कुछ भी ओरिजिनल नहीं मिलेगा गाइस. बट एट दैट प्राइस आई थिंक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप डेफिनेटली वहाँ से पिक कर सकते हो, जैसे कि मैं भी कुछ चीज़ें पिक करके आई हूँ. ऑब्वियसली मैं मेकअप एंड ऑल ओरिजिनल ब्रांडेड ही लगाना पसंद करूँगी, बिकॉज वो आप अपनी स्किन पर लगा रहे हो, आप कुछ भी उठा के नहीं लगा सकते हो, राइट? आपकी स्किन कैसे रही, मतलब आप डुप्लीकेट चीज़ नहीं लगा सकते हो, बस इतनी सी बात है, समझ जाओ. तो जैसे ही मैं वहाँ पे गई, मेरे को बहुत तेज शॉक लगा कि पूरी मार्केट बंद होने वाली है. और मेरा हो गया पॉपर्ट. वहाँ पे एक्सप्लोर किया, उससे मुझे ये पता लगा कि आगे जैसे हम थोड़ा अंदर जाते ना, वहाँ पे ना पूरी ऐसे कपड़ों की भी स्टॉल लगी हुई थी. वहाँ पे 150 के स्टॉल थे, वहाँ पे 100 के स्टॉल थे. एक अंकल तो वैसे ड्रेस वेस भी काफ़ी सारी उनके पास फ्लोरल में थी, ऐसे मैक्सी टाइप की जो होती है ना, वो सारी वहाँ पे लगी हुई थी. तो अगर किसी को ड्रेस एंड ऑल के लिए भी चाहिए ऐसे एक आधे का तो ले सकते हो, बट मुझे पर्सनली वहाँ का जो कलेक्शन था किसी भी स्टॉल का, ओवरऑल बता रही हूँ मैं, मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा. तो मैं वहाँ से कपड़ों का तो सोचा भी नहीं, मैं सोच के कॉस्मेटिक वाले उससे गई थी. तो अब इन सब के बाद हम लोग मूव ऑन करते हैं कॉस्मेटिक्स वाले सेक्शन की तरफ. तो मैंने जैसे आपको बताया कि वहाँ पूरी मार्केट बंद हो चुकी थी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जल्दी चले गए थे, इतनी ज़्यादा जल्दी चले गए थे कि सूरज देवता हमारे ढल चुके थे, चांद हमारे आ चुके थे. तो बस इतनी जल्दी है मैं चली गई थी, तो उस वजह से ये हुआ था कि मुझे कुछ भी नहीं मिल पा.
लकीली मुझे कुछ स्टॉल्स वहाँ पे मिल गई जो खुली थी, तो वहाँ पे सबसे पहले मैंने स्पॉट किया जहाँ पे क्लचेस एंड ऑल ये सब रखा हुआ था, पूरा नेल पेंट, क्लचेस एंड क्या क्या था वहाँ पे, कुछ कुछ था, वीडियो में देख सकते हो। एंड उसके बाद वहाँ पे सबसे मेन ना ज्वेलरी सेक्शन पीछे लगा हुआ था, कुछ इयररिंग्स थी, इयररिंग्स वर डिसेंट, वो अगर किसी को चाहिए तो वहाँ पे बिल्कुल आप जा सकते हो। उनका प्राइस रेंज अंडर 50 था, मैंने एग्जैक्ट उनसे पूछा नहीं है बट अंडर 50 ही था, वो पूरी स्टॉल में सब कुछ अंडर 50 रुपीज़ था। मुझे वहाँ पे क्लॉक क्लचेस बहुत अच्छे लगे, मुझे जानते हो तो आपको पता है मुझे क्लॉक क्लचेस से कितना प्यार है, तो मैंने डेफिनेटली क्लॉक क्लचेस वहाँ पे देखे और फिर मैंने एक आध ले भी लिया। मैं आपको वो लास्ट में जब हम हॉल वाला सेक्शन करेंगे तब मैं आपको वो दिखाऊंगी। यहाँ पे नेल पेंट्स एंड ऑल वगैरह थी, जितनी भी नेल पेंट्स थी 10-20 रुपीज़ के बीच में ही थी, बस 20 रुपये से ऊपर कुछ भी नहीं था गाइस, ट्रस्ट मी 20 रुपीज़ इतने के तो मैं खड़े खड़े गोलगप्पे खाए तो मैंने वहाँ बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया, मैं आगे गई वरना वो बंदा बंद कर लेता। उन्होंने पूरा ऐसा लगा रखा था लाइन से, कलोसल के काजल, मैक के काजल, इसके लिप लाइनर, ये वो, मैंने कहा वाओ। तो फिर वहाँ पे ना कुछ चीज़ें जो मुझे लगा कि हम ले सकते हैं तो वो एक मैंने ले, फिर वहाँ पे मुझे दिखे ये ब्यूटी ब्लेंडर जो ₹30 के थे। उसके बाद फिर वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लगी थी, आप देख सकते हो ये काफ़ी सारी चीज़ें थी, नेल पेंट से लेके ब्रशेस से लेके काजल, हाईलाइटर, लिपस्टिक्स में भी काफ़ी सारी वैरायटी थी अंकल के पास, लिपस्टिक लिक्विड में थी, स्टिक में थी, लाइनर भी थी, सारी चीज़ें आप देख सकते हो वीडियो में। मुझे वहाँ पे ना एक बैग्स वाली भी शॉप नज़र आई, वहाँ पे बहुत वैरायटी के उनके पास बैग्स थे, शायद वो लगेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आप, वो जो बड़े वाले बैग्स होते हैं ना जो ऐसे नॉर्मली उठा लो वैसे वो वाले भी थे, आप वीडियो में देख सकते हो। एंड उसके बाद फिर बस मेरे हिसाब से आई थिंक दिस इज़ इट फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस मार्केट। हम लोग अभी फटाफट चलते हैं हॉल की तरफ कि मैंने वहाँ से क्या किया और कितने कितने में लेके आई हूँ। तो ये वही सब है एक ऐसे पॉलिथिन में, वो अलग अलग दे रहे थे, मैं एक बंदे ने जो शुरू में मुझे एक पॉलिथिन दी मैं उसमें ही डालते जा रही थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये ब्यूटी ब्लेंडर, या दिस इज फॉर लाइक ₹30। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, दिस इज हाउ इट लुक्स। की क्वालिटी भी मुझे डिसेंट लग रही है, मतलब 30 रुपीज़ में आपको नहीं मिल सकता। मेरे पास एक ब्यूटी ब्लेंडर ऑलरेडी है जो मैं यूज़ करती हूँ, वो मैंने शुगर का मंगवाया हुआ था, ठीक है, जब उसमें सेल लग रही थी तब मंगाया था, बट आई थिंक दिस कैन कम हैंडी, दिस लुक्स नाइस, दिस फील्स नाइस एक्चुअली। इसका पैकेजिंग ऐसा ही है, सिर्फ देख लो हुडा ब्यूटी लिखा हुआ है, 30 रुपीज़ का है ये, ठीक है, किसी को 30 रुपए में हुडा ब्यूटी चाहिए तो आप फ्राइडे मार्केट जाइए। सो गाइस नेक्स्ट अप आई हैव हियर इज दिस आईलैशेस कलर। ये ना मैं ना मीशो में भी देखती रहती थी, मुझे काफी टाइम से चाहिए था, पर ना मेरे को एक वो भी था कि इसको मैं यूज कैसे करूंगी, मेरे को यूज करने ही नहीं आता। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बट फिर मैंने सोचा यहाँ पे जब ये इतना सस्ता मिल रहा है तो हम यूज करके, आए हाय गिरने वाला था, हमने कहा व्हाई नॉट, हम यूज करके तो देख ही सकते हैं ना। ये इसमें पीछे ये भी लिखा हुआ है कि हाउ टू यूज इट एंड ऑल, बट ठीक है वो हम नहीं देखेंगे। आपकी जो ये आई लैशेज होती है ना ये उनको करता है ऐसे कर्ल कर देता है, कर्ल मतलब इन द सेंस ऐसे नहीं कि वो गोल गोल मैगी बना देगा, बट ये ऐसे ऊपर कर देता है उनको, ऐसे अलग से दिखने लग जाएगी फिर ऐसे लड़कों की तरह। भाई हमें कितना कुछ करना पड़ता है छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो मैं ना एक बार करके दिखाती हूँ, आप मेरे को बताना कुछ होता है कि नहीं, ठीक है। अब ऐसे मेरे को आता नहीं है बट थोड़ा बहुत बेसिक तो पता ही है, हमें लैशेस इसमें एडजस्ट करनी है। मेरे को दिख भी नहीं रहा हो रही है कि नहीं, बट हाँ कुछ तो हो रहा है, पता नहीं। बस अभी मैंने इसे ऐसे प्रेस कर लिया है मैंने, और अब मैं कुछ सेकंड तक होल्ड करूँगी, और मेरी आंखें बहुत फड़फड़ा रही है अंदर, मैं नहीं बता सकती। आय हाय कुछ फ़र्क पड़ा, हाय कुछ फ़र्क पड़ा, हाँ यार कुछ दिख तो नहीं है थोड़ी बहुत। यार मुझे ना इसको थोड़ा ठीक से करना चाहिए, एक और बार ट्राई करते हैं। आप देखो मुझे, ओके अब मैंने थोड़ा बेटर किया है, देखो मैंने सारी लैशेज अपनी फंसा ली इसमें। अब कुछ सेकंड के लिए होल्ड करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ फर्क पड़ा, कुछ फर्क, हाँ मेरी ये वाली आँख देखो,
अब मेरे ये वाली आंख के देखो, है ना, फर्क तो है, डिफरेंस तो है। इसको भी कर दे ना बेचारी, इसको क्यों सूना सूना छोड़ दे। अब कुछ बराबर सी लग रही हैं दोनों की यार, ये वाली ही बेटर लग रही है फॉर सम रीजन, आई डोंट नो। हाय मेरी आंखों में आंसू आ गए थे ना, ये शायद थोड़ा टाइम मैं यूज करते करते सीख जाऊंगी। फॉर ₹60 गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ ₹60 का था। मी इट्स अ पास। मैं लाई ये क्लच, ये तो फिर मुझे लेना ही था, तो मैंने ऐसे इंस्टेंटली ले ही लिया। आपने देखा होगा कई बार मैं ऐसे बाल बांधती हूँ पीछे करके। इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, ये काफी अच्छा है। ₹20, यूहू, देखो ₹20 की भी चीज लेके आई हूँ। नेल पेंट, जो मैं नेल पेंट्स की बात कर रही थी, वहां पे काफी सारी नेल पेंट थी, तो ये वो नेल पेंट है जो मैं लेके आई हूँ। हाथ में आप देख सकते हो जो मैंने लगाई हुई है, इतने पूरे वीडियो में अगर आपने नोटिस करी होगी तो, ये मैंने यही नेल पेंट लगाई है, ताकि मैं अभी तो लगा के ऐसे गीली गीली आपको नहीं दिखा सकती ना। हाउ दिस वन लुक्स, एक मैं लेके आई, देखो इसमें लिखा है 100 पीस, बट आई डोंट थिंक ये 100 पीस होंगे, बट हो भी सकते हैं, क्या बताओ। पीस 10 का ओनली, ₹10 का, ये ₹10 का है। इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, आई नो, मान या वैसे इंटरनल पर्पसेस के लिए यूज नहीं करूंगी। ये मैंने लेके आई हूँ बहुत मेकअप वगैरह करते टाइम, जैसे कुछ खराब हो जाता है ना, जैसे लाइनर मोस्टली, तो वो सब मिटाने के लिए या वैसा, मैं उन पर्पस के लिए लेके आई हूँ, इधर उधर के काम के लिए। चीज जो है गाइस, दिस इज माय वन ऑफ मोस्ट फेवरेट परचेसेस फ्रॉम दिस मार्केट, दिस इज अ आई मेकअप ब्रश सेट। मेरे को कितने टाइम से चाहिए था, मतलब मेरे पास ना ब्रश के नाम पर ना बस दो ब्रश हैं आईज के, सीरियसली आई विल नॉट लाई एट ऑल। तो ये मुझे चाहिए ही चाहिए था, फिर लगा था ये 4 है, बट दीज आर नॉट 4, ये 5 का पूरा सेट है। तो दिखाती हूँ खोल के, की क्वालिटी लिटरली बहुत डिसेंट लगी। उन्होंने मुझे इसका प्राइस 120 समथिंग बताया था, बट मैंने ये 120 में तो नहीं लिया है। तो ये है वो सारे ब्रश का, सबका अलग अलग पर्पज होता है, जैसे कि ये छोटे वाला, ये आपके कॉर्नर्स में काम आता है, ठीक है, कि अपने अपने काम है ना, हर कोई बंदा इस जिंदगी में आया तो वो अपना पर्पस साथ लेके आया है, तो इसका पर्पस है मेरी आंखों को सुंदर बना। समझ गया, ये मेरा बेस्ट परचेज है, फेवरेट परचेज है मेरे अकॉर्डिंग। तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ये वाला ब्रश सेट एंड ये ब्यूटी ब्लेंडर और ये आई वाला जो है, बोलते इसको ये वाला क्या बोलते इसको, आई लैश कर्लर, तो ये तीनों चीज मैं लाई हूँ 150 में, प्रॉपर स्टील डील। सो आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, एंड अगर आप भी दिल्ली में हो या अगर दिल्ली आते हो, तो आप इस ये मार्केट जरूर एक्सप्लोर करो, आपको भी काफी सारी यूजफुल चीजें मिल सकती है। मेरे लिए वहाँ पे सेलेक्ट करना काफी मुश्किल हो रहा था, बट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना, एंड कमेंट में जरूर बताना कि इनमें से कौन सी चीजें आपको अच्छी लगी, और अगर आप मेरी जगह पे होते तो इनमें से कौन सी चीजें बाय करते और बाय नहीं करते। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। ऑर्गेनाइजेशन आपके वो ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेन